एक मेरा एक सवाल मेरे एक दोस्त के हवाले से है। उसको उसने एक आईटी की कोर्स की थी किसी प्लेटफॉर्म से, और उसने करीब 6 महीना दिया उसमें। 6 महीना देने के बाद उससे ये उम्मीद था कि उसको शायद जॉब मिल जाता। इंटरव्यूज उसने दे दिया दिया भी है, बट उसे जॉब नहीं मिल रहा। अब उसका इरादा है कि वो एक अपने सीवी में 2 या 2 से 4 साल के आसपास एक नकली एक्सपीरियंस ऐड करके वो फिर दोबारा इंटरव्यू दे, और फिर कोशिश करे कि इंटरव्यू निकले ताकि उसे जॉब मिल जाए। तो क्या इस तरीके से उसका जॉब लेना सही होगा? और उसका ये भी इरादा है कि जब वो उसको जॉब मिल जाएगी वो नकली एक्सपीरियंस के जरिए से, तो फिर बाद में जब वो दूसरी कंपनी में जाएगा, तीसरी कंपनी में जाएगा, तो वो नकली एक्सपीरियंस हटाकर जो असली एक्सपीरियंस उसने हासिल किया है फिर वो उसके हवाले से कोशिश करेगा। तो क्या ये करना सही होगा? क्लियर, बिल्कुल नहीं सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो गोया कि वो धोखा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, और उसी झूठ और धोखे को बुनियाद बना करके वो नौकरी हासिल करना चाहता है जी और शेख फ्रॉड कर रहा है। ये ना तो शरीयत की निगाह में जायज है, ना तो कानून की मुल्क के कानून की निगाह में जायज है। ये बिल्कुल गलत है, हमारी शरीयत में इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो जी सर धोखा देने वाला है वो हम में से नहीं है। और ये धोखा आप किसी मुसलमान को दें, किसी गैर मुस्लिम को दें, ये धोखा देना जायज नहीं है। जी शेख, असल में शेख मैंने आपका एक लास्ट वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि उसमें बताया गया कि उस भाई को एक्सपीरियंस तो है, स्किल्स तो है, बट चूंकि उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पैसा दे के सर्टिफिकेट ले रहा है। तो मेरे को आपका जवाब समझ में आ गया था, बट सर इधर क्या है कि उसके पास ना इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस है ना जॉब की एक्सपीरियंस है, बस देखिए इसलिए ऐसा भाई, काम करना चाह रहा। एक दूसरी चीज आपने ऐड किया, मुझे नहीं मालूम है कि मैंने क्या कहा था उस वक्त, मुझे नहीं याद है। लेकिन मान लीजिए एक आदमी के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जाहिर है जब वो एक्सपीरियंस दिखाएगा तो उसे सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, या ये बताना होगा कि मैंने फला कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लिया है। अब अपने सर्टिफिकेट में या अपनी सीवी में वो गलत कंपनी का नाम लिख रहा है। एक्सपीरियंस हकीकत में है, उसने प्राइवेट तरीके से मान लीजिए एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, लेकिन वो जहां पे जॉब करने जा रहा है वहां पे मतलूब क्या है? वहां पे मुतालबा उससे ये है कि किसी बाकायदा तौर से किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है, उसका एक्सपीरियंस अपना जाती है लेकिन वो किसी कंपनी का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, तब भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जो भी मालूमात वो दे रहा है सामने, जहां पे जॉब करना चाहता है, वो तमाम मालूमात उसकी सही होनी चाहिए, तभी ये काम सही है।